बहुत ज्यादा से फ्रैक्चर हूँ मैं सर, ये लगा ये तो स्वेटर की वजह से सेफ्टी होगी। अचानक से आ रही है सर, वो बोल रहे हैं कि सीधे दौड़ते हुए आ रही है, दौड़ते हुए जा रही है और जो दिख रहा है रास्ते में काट दे रही है। 10 से 15 लोग काट लिए आज आज की डेट में, बता रहे जिंदे बच्चे खा गई, वो खा गई आया खा गई। हाँ डंडे लेके आ रहे बंदे आगे, हाँ वो देखो डंडे लेके आ रहे, पांच छह कुत्ते खा लिए। राइट साइड भाई राइट, ओ ये तो काटा उसको काटा, बोल रहे हैं कि सड़क हो गई है अभी, गली में वो आ ही रही है। मेरे तो काट दिया था ये, एक और थी यहाँ इसको भी काटा है, मेरी तो नसी कट गई है, बहुत ज्यादा से फ्रैक्चर हूँ मैं सर, ये लगा ये तो स्वेटर की वजह से सेफ्टी होगी। अचानक से आ रही है सर, पता नहीं लग रहा है, मिल गया पीछे ऊपर वाली गली, चलो मेरे पीछे सुबह पड़ गई थी, शुक्र है साइकिल पर था, भागा नहीं तो काट लेती। हमारी लड़की को काटा है, बहुत ज्यादा काटा है, एकदम से आ रही है ना, पता नहीं लग रहा किधर को जा रही है किधर को नहीं जा रही है, वो ऐसे आ रही है ना स्पीड से। हाँ दिख रहा सामने, हाँ। उसी को काट के फिर उजा रही है मैं भाई, भाई जल्दी आओ किसी और को काट लिए फिर से है? की वैसे तो काफी टाइम से ये रहती था ना, ये पे रहता था 2-3 दिन से, और 2-3 दिन से शायद पता नहीं क्या फर्क पड़ गया इसका, क्या हुआ इससे, छोटे छोटे बच्चे दिए हुए थे वो भी काट खाए इसने, अभी एक बच्चा बचा हुआ इस साइड हो गया, ये साइड में इस साइड तो दिख रही कहीं, ऐसे ऐसी फीलिंग आ रही है ना चीते की तरह निकलेगी अभी बाहर को। एक बंदे को पीछे से भेजते हैं ना, रुको 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 पहले प्लान बना ले। हाँ बोरी बोरी बोरी, चलो चलो कहाँ गई आज, इस तरफ भागी है, खेलते रहते हैं ना, डर नहीं होता बच्चों का, डर होता है। कल मेरा भतीजा माँ के साथ जा रहा था, उसका हाथ ही डाल लिया पूरा, उसके बाद मेरा चाचा, उसके बाद फिर मेरे दोस्त की बेटी, आ जाओ इधर से आ जाओ, क्या मार दी, अरे यार मारा क्यों यार, मत मारो, नहीं भाई मारो मत, नहीं यार मारो मत ना, चलो ठीक है राजा, जिनको काटा उनको दर्शन तो करवाओ, देख लो अभी आके, और देख ली सर मैं अपनी बात, अभी आप पीछे हो जाओ बाहर आगे, तो चार पांच जरूरी नहीं है, रेबीज भी हो सकता है, क्या पता ना हो रेबीज, तो अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी रखेंगे ना पहले, फिर उसको चेक करेंगे, हाँ, चेक करेंगे। इसके 9 बच्चे थे ना, 8 मर गए, एक ही रह गया है, बाकी तो उसने मार ही दिया खुद ही, तो ये भी फिर ऐसे ही मरेगा बिना मार के, तो क्या रहेगा। अब जैसा कि अक्सर डर के माहौल में होता है, एक और डॉग रेबीज के शक के घेरे में आ गया, वो तो आराम से बैठी हुई है, वो बच्चों को लेके थोड़ी पॉजिटिव हो गई, सारे डंडे लेके घूम रहे हैं, तो वो भी डर गए हैं, वो भी उनको नहीं पता ना हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब मेरे को लग रहा है यहाँ के सारे डॉग्स को मार देंगे, हाँ सब लोग डरे हुए हैं ना अभी तो, मेंटालिटी यही है कि एक ने सबको काटा तो रेबीज सबको हो गया होगा, ये इसका बच्चा शायद, हमको ऐसा है कि इसको भी दांत दूंत ना लगा हुआ, ऐसे इन्फेक्शन का खतरा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। वापिस आया भाई, आ जा यार, ले 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 भाई, गेट से आ, गेट उधर खड़े हो, उधर खड़े हो, उधर खड़े हो, उधर खड़े हो, साइड में निकल जाएगा, छोटू इसको काटा उसने, नहीं दिख तो नहीं रहा, ये काट रहा है, वो डर रहा है ना, डर गया बेचारा, अब माँ को ले गए पकड़ के, तो अब डरेगा ही, क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है ना किसी एक बंदे को ना, शायद किसी डर के मारे उस फीमेल ने काट लिया हो, फिर बस वही फैलता रहता है, फैलता रहता है, काट रही है काट रही है, ऐसे करोगे ना तो फिर वो काटेगी ना,
स्मेल तो आ रही कुछ। क्या हो गया? बैठे रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का कि आपने इसको पकड़ा। अब बगल में स्कूल है, हम तो ज़्यादा चिंतित थे कि बच्चों का यहाँ आना और लोगों का ये पूरी आबादी है, तो उनके लिए अब इस पागल कुत्ते को पकड़ने से हम सभी सुकून का सांस ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत। जब बात अपने बच्चों की और आत्मरक्षा की आ जाती है तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग हमारी दया और करुणा की गुहार सुनेंगे। लोगों को आक्रामक पशु से और पशु को लोगों की क्रूरता से बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, और प्रशासन इसमें सक्षम भी है, जैसा कि हमने G20 या किसी भी नेता की विजिट के दौरान देखा है। लेकिन जब बात आम लोगों की आती है तो हम आप जैसे ही एनिमल रेस्क्यूअर्स कुछ करें तो करें, नहीं तो लोग चीजें अपने हाथ में लेंगे ही। क्या हुआ? गाड़ी में इसका व्यवहार देख के हमें भी लगने लगा था कि शायद इसे रेबीज है, लेकिन कुछ भी निश्चित तौर पे कह पाना अभी मुश्किल था। फिर हमें एक और डॉग के बारे में कॉल आई जिसने अपना जबड़ा भींच लिया था, जो कि रेबीज से ही मिलता जुलता लक्षण है। उसका मुंह एकदम बोल रहे हैं कि कुछ खास नहीं रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। कोई बोल रहा है कि रेबिट है, कोई बोल रहा है जो लोग हो गया। अब चेक करते हैं, देखते हैं इसको। खाली है, इसने कुछ गले में फंसा हुआ है। मरी नहीं गई? बेकरी में आती है, इसको खाना देते हैं, बच्चे हैं इसके बच्चे, उनको ले जाती है खाना। ऐसा लग रहा था कि पागल हो गई है, लोगों के पास जा रही थी, बोल रही थी लोगों को कि निकाल लो कुछ, पर हमें लग रहा था खाने पड़ रही है। और 3 दिन से कुछ नहीं खाया इसको, ना ही पानी पिया। 3 बच्चे हैं इसके, ठीक हो जाएगी, छोड़ देना बच्चों के पास। यहाँ पे बैठी थी, मैंने रस्सी लगाई, पापा ने बोला बांध दो, बांधने लगा, आंटी आ गई ये साथ वाली, गंद पाया है ना, सुड़ दिया है ना, यूँ दफा करा परा। मैं अल नहीं रखता, मैं थी मैं अपने उधर ले गया, फिर मैं अपनी शॉप पे। बच्चे इतने इतने हो गए अभी, बच्चे तो है बड़े, ये गाड़ी के नीचे। ये मर जाए तो इनको कौन डालेगा खाने को? आस पास वाले डालते नहीं है, बेकरी वाले डालते हैं, तो ये भी कितना की डालेंगे। और ये यहाँ पे आ जाए तो ये सड़क में मरेंगे मरेंगे, जब वे बड़े होंगे फिर ये ट्रेनिंग देगी। लॉक तो नहीं है जॉग, क्योंकि बंद कर रही है ये। बदबू आ रही साहिल, कुछ अजीब ना एकदम, है ना, कुछ फंसा नहीं है इस जीप, तो अजीब सी हो रखी है इसकी। ऐसा कुछ फंसा तो नहीं लग रहा है, बस बस हो गया। ये देखो देखो, अरे अब ध्यान से करना अपना, बस बैठ जा, बैठ जा। ये दोनों ही डॉग रेबीज के लक्षण दिखा रहे थे। पहली वाली बिना उकसाए लोगों को काटने दौड़ रही थी, और दूसरी वाली का जॉ लॉक हो गया था और चलते हुए उसको अपना शरीर संभालने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि रेबीज के लिए कोई टेस्ट नहीं बना, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही पता लग सकता था कि क्या इनको रेबीज है या इनके सिम्टम्स के पीछे कोई और कारण है। प्राथमिक मेडिकल जांच और ऑब्जर्वेशन के बाद हमें यही पता लगा कि पहली डॉग और उसके बच्चे को तो रेबीज था और उन्हें हमें यूथनाइज करना पड़ा। पर दूसरी डॉग वो लक्षण इसलिए दिखा रही थी क्योंकि वो डिस्टेंपर के अंतिम चरण में थी, तो था तो बच पाना उसका भी मुश्किल, पर हमसे जो बन पड़ा हमने किया। मैं अधिकांश लोगों से यह अपेक्षा नहीं रखता कि ऐसी हालत में किसी पशु को देख वो उसका सोच खुद को जोखिम में डाल के उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे, पर अगर कोई सिर्फ खुद का भी सोच रहा है तो इससे पहले वो किसी की निर्मम हत्या करने का पाप अपने सर पे ले, वो अपने इलाके के और पशु प्रेमियों से संपर्क करके बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास भी कर सकता है। क्योंकि जिसे हम पशु कहते हैं उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार है अंततः यही निर्धारित करता है कि हम इंसान कहलाए जाने लायक हैं या नहीं।